बगीची में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह सिनसिनवा दोनों पर संगति कर रहे भाई गौरव फौजदार मोरनी से, पेड़ पर धमका दे रहे भाई वीरेंद्र रोनी जैसे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्वे जरूर थर से, आइए एक और धमाका। जय श्री राधे। सभी के शरणों में शिव सिंह शिवराम जी की हाथ जोड़कर नमामी नमस्कार। राम राम साहब। ऐसा कोई खास गाने वाला नहीं, जो भी गुरुओं ने सिखाया है जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के माफ करें। और भैया गौरव कभी दो लाइनों में लिख रहा है क्या बता दिया। लागी सब कहे लागी बुरी बना और लागी तोबा जानियो जो आर पार। भैया जी कभी दो लाइनों में इंसान को समझा रहा है कैसे क्या बता दिया। हमें परवाह नहीं सुदर्शन चक्रधारी है, और आइए इंसान के लिए चेतावनी दे रहा कवि कैसे भैया गौरव। और मानव तन अनमोल गवाई दिया और बाबा फस के पिसियन में, और मन बुद्धि तेरी रुकी नहीं है और लग रही भोगन में, क्यों ये पट्टा फैल कर आई देगी नरक की सहल कर आई देगी। पच्चीस मिनट पीछे झिक के पानी पियो और ये ₹50 का पुरस्कार ना मैं तो ना जानू साहब मास्टर। और कभी लिख रहा है कैसे बेटा कैसे बेटा। मन बुद्धि तेरी रुकी नहीं है लग रही भोगन में, ये
₹50 का पुरस्कार। छत्रपाल सिंह जी और ₹51 का पुरस्कार। हमारे अंकल जी हमारे दे रहे बार बार धन्यवाद। रात दिन तू लगा रहा या तन की खेचा तानी में, अरे चेता तो फिर का चेता तेरी भैंस चली गई पानी में। और ये ₹50 का पुरस्कार अंकल जी तरफ से और ₹1 का पुरस्कार। उदयवान जी हमारे दे रहे बार बार धन्यवाद और ₹51 का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से और ₹50 का तरफ पुरस्कार अंकल जी की तरफ से। और जो बताओ साहब तुम कैसे बैठे जिसको आधार कार्ड बनवा भी आए हो, बनवा भी आए हो। मास्टर रात दिन तू लगा रहा या तन की खेचा तानी में, चेता तो फिर क्या चेता तेरी भैंस चली गई पानी में। और ये ₹51 का पुरस्कार हाकिम सिंह जी राणा और ₹20 का पुरस्कार ताऊ की तरफ से। ₹51 का पुरस्कार बाबा साहब दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद। और ₹51 का पुरस्कार विजय सिंह जी और ₹51 का पुरस्कार बाबा साहब दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद। चेता तो फिर क्या चेता तेरी भैंस चली गई पानी में। मन बुद्धि तेरी रुकी नहीं है, लग रही भोगन में ये पट्टा फैल कराए। ध्यान को लगा दे, ऐसा प्रसंग ऐसी कहानी कोई नहीं जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुनी हो। केवल कवि की कविता और गाने के ढंग अलहदा हुआ करते बाबा साहब। एक समय का जिक्र है, आप जैसे महान पुरुष बैठे हुए हैं ऐसे ही एक समय पांचों पांडवों ने महाभारत को विजय कर लिया। महाभारत को विजय करने के बाद में पांचों पांडव बड़े प्रेम से रह रहे हैं। रात्रि के समय भीमसेन अपने बड़े भाई धर्मराज के पास पहुंच जाता है और जाकर के धर्मराज के चरण स्पर्श किए और कहा, भैया धर्मराज, जब से हमने महाभारत को विजय किया तब से अभी तक इन पूजाओं की खुजली नहीं मिटी है। धर्मराज हंस गए, कहने लगे, भीमसेन तुम्हारे अंदर अभिमान के अंकुर पैदा हो गए। कहना क्या चाहता है? भैया तुम्हारी इजाजत हो तो मैं दोबारा से उसी बियाबान जंगल की तरफ जाना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने कीचक का वध किया। आहा सज्जनों, धर्मराज ने भीमसेन के लिए आज्ञा दे दी और आज भीमसेन चलता है। और भीमसेन के साथ रात्रि के समय होता क्या है, क्या लिखा? और जो
आज बनी मेरे बीमा और या के तन में जोर अपार रे और चलते चलते साथ में लेके क्या जाता है, क्या लिखा बेटा गौरव, क्या बता तो मोते क्यों को खुले चाहिए, खुले चाहिए, खुले चाहिए, क्या लिखा भैया, अरे दई इजाजत धरमने और कोई भी मुसेन हर सा हर सा और चलती बार कोई और भी मनी गौरवा और लइए गदा और ये 50 रुपए का पुरस्कार अंकल जी हमारे दे रहे, बार बार धन्यवाद। माया मरी ना मन मरा मर मर गए सारी गौरव माया मरी ना मन मरा मर मर गए सारी
और बेटा तेरे दिल का दर्द भी हो जाएगा ठीक। कैसे होगा गौरव को लेकर बियाबान जंगल में पहुंच गया और चलते चलते एक बाबा के आश्रम पर पहुंच गया और बाबा के जाकर के चरण स्पर्श किए और कहा बाबा ओ बाबा मेरा नाम भीमसेन है, क्या आप मुझे जानते नहीं है? मुझे थोड़ा जल पिला दो। आज बाबा ने कोई बात नहीं सुनी, बाबा भजन में लीन है। और बेटा गौरव बाबा इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? गानों का सुनाओ, तुम कथाएं सुन लियो, गाने तो तुम रोज ही ना सुननी। मास्टर भीमसेन के लिए इशारा दे दिया और कह दिया भीमसेन सोचते क्या हो, आगे की तरफ बढ़ जाइए। आगे एक सरोवर है, भीमसेन जल पी करके उसी बाबा के पास आ गया और कह रहा है बाबा मुझे रात्रि का समय हो गया, तुम्हारी इजाजत हो तो बाबा मैं आज का विश्राम आपकी कुटिया में कर लूं तो कैसा रहेगा। आज भीमसेन की जब इतनी बातों को बाबा ने सुना तो बाबा ने कहा वारे भीमसेन, इसीलिए तो मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था, एक दिन भीमसेन मेरे पास जरूर आएगा। और आज भीमसेन गहरी नींद में सो जाते हैं और वो बाबा असली रूप में आता है और कर क्या रहा है, क्या लिखा बेटा गौरव? Thank you.
छिप गयो अब है गई तेरी तेरी। और रात अंधेरी छाई है और दैत संत की कोटिया में फिर नींद भी मकू आई बाबा नींद भी मकू आई है। चलते चलते मेरा समय भी समापन की ओर है। और क्या लिखा है बेटा?